फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की ना हैंगिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको ना नीचे ही साइड में ऐप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर है सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है, इसे आपको टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक पेज आता है, ठीक है ना। इस वाले पेज में आपको नीचे एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन आपको टैप करना है। एंड्रॉइड सिस्टम के इस वाले पेज में आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहां पर आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा तुरंत जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू कर लेना है। इसके बाद मोबाइल फोन का प्ले स्टोर आपको ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर में आपको सबसे ऊपर राइट साइड के टॉप पर एक प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे आपको टैप करना है। अब आपका एक पेज आएगा, ठीक है ना। इस वाले पेज में आपको ये मैनेज एप्स एंड डिवाइस का ये ऑप्शन आपको टैप कर लेना है, तो आपका एक और पेज आता है ये वाला। इस वाले पेज में आपको ये अपडेट अवेलेबल के नीचे अगर ये सी डिटेल का ऑप्शन दिखाई देता है तो सी डिटेल पे टैप करना है, तो आपका ये वाला पेज आता है। इस पेज में आपके मोबाइल फोन के वो सभी ऐप होते हैं जो आपके अपडेट नहीं है, इन सभी ऐप्स को अपडेट करना है इस अपडेट ऑल के बटन पर टैप करके, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको अपडेट कर लेना है। अगर अपडेट नहीं है तो मोबाइल फोन के सेटिंग में जाकर सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना है, अगर अपडेट नहीं है तो, ठीक है। आखिरी काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक ना।